तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट कजाकिस्तान मरट ओस्पनाव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम बहुत ही डिफिकल्ट है बट हम इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी को रिव्यू करेंगे बिकॉज इन दिस एपिसोड आई टॉक अबाउट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अब्रॉड फॉर योर एम बी पी एस सो लेट्स गिट स्टार्ट विद दिस वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दी हाईलाइट्स अगर हम हाईलाइट्स की बात करें तो डब्ल्यू के एस एम यू दैट इज़ दी पॉपुलर नेम लोकेशन जो है दैट इज आ टॉप का कजाकिस्तान नाइनटीन फिफ्टी सेवन की है इट्स पब्लिक यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश एंड कजाक है यूजली आप अगर ऐसी कंट्रीज देख रहे हैं जहाँ पे उनका लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश uh, के अलावा उनकी खुद की एक नेटिव लैंग्वेज है तो आप स्टूडेंट से वेरीफाई करें कि क्या सही में मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है या नहीं बिकॉज दिस इज समथिंग बट एव सीन विद सो मेनी कॉलेजेज राइट वेन इट कम्स टू एम बी बी एस अब्रॉड सो अगर आप स्टूडेंट से रीच आउट करना चाहते हैं यू वॉन्ट हैव क्लियरिटी तो उसके लिए जो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं फोर फिफ्टी प्लस फैकल्टीज है अप्रूव्ड बाय एनएमसी है डब्ल्यू एच ओ है कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो पाँच साल का है टोटल right? करें, तो पॉपुलेशन है वो अट्ठारह करोड़ नो सेवन लाख के आसपास का पॉपुलेशन है कैपिटल सिटी जो है वो नूर सुल्तान है लैंग्वेज कजाक है राइट अगर हम कजाकिस्तान की क्लाइमेट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल है मे बी लिटिल एड इन समर द टेम्परेचर एवरेज इज नॉर्मल थर्टी डिग्री सेल्सियस एंड इन विंटर माइन एवरेज माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस लिटरेसी रेट नाइन्टी नाइन परसेंट है करेंसी कजाकिस्तान टेंग है क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम जो है वो दो रिलीजन है जो वहाँ पे काफी नोन है आक्रोडेशन एंड रिकगनेशन की बात करें डब्ल्यू एच ओ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ कजाकिस्तान और एन एम सी अप्रूव्ड ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सन्तरा साल मिनिमम एज होनी चाहिए अपर लिमिट कुछ नहीं है फिफ्टी परसेंट टाइम पी सी भी में होना चाहिए किसी कैटेगरी में है तो फोर्टी फाइव परसेंट टाइल होना चाहिए जो लैंग्वेज टेस्ट है वो कंपलसरी नहीं है सबसे इजी uh, चीज कुछ कंट्रीज की ये है और बजट जो है वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है एडमिशन में क्या होता है आप यूजुअली कॉलेज की वेबसाइट पर जाते हैं अप्लाई करते हैं आपका इंटरव्यू होता है आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं देन आपको एडमिशन लेटर मिलता है उस एडमिशन लेटर के बेसिस पे आप फीस सबमिट करते हैं आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं वीज़ा हो जाता है देन आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन इंडिया की एम्बेसी में भी एंड कज़ाकिस्तान की भी एम्बेसी में कराते हैं बट यूजुअली क्या होता है हम ये सारा प्रोसेस जो है वो थ्रू कंसल्टेंट्स थ्रू काउंसिलर्स थ्रू एजेंट्स कराते हैं एंड इंडिया में हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चा एग्जाम देता है तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं बिकॉज मार्केट में ये डी के चक्कर में यू you नो know, हर कोई आपको बोल रहा है दैट आई एम कौन काउंसिलर आई एल हेल्प यू आउट कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए तो मेक दिस थिंग श्योर कि आप एक राइट right मीडियम के थ्रू जाएँ राइट right, आप कहीं पर भी बिकॉज आप ट्वेल्थ पास आउट हैं आप जस्ट बाहर जा रहे हैं इट्स नॉट इंडिया कि भाई कुछ हुआ तो चलो मैं पापा को फोन कर लूंगा एंड देल कम बैक टू मी सो मेक दिस थिंग श्योर अगर उसमें आपको कोई भी हेल्प लग रही है आपको बिल्कुल नहीं सोचना है नीचे जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में बात करें पासपोर्ट टेंथ ट्वेल्थ बर्थ सर्टिफिकेट टेन पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफिशियल इनविटेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान राइट अथोरइजेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स यू नो इन यू नो फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न्यू डेली देन लीगलाइजेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कजाकिस्तान एम्बेसी वीजा फीस बैंक रिसीव ट्रो फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस एच टेस्ट डॉक्यूमेंट्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो टू लेक एटी फीस है जिसमें हॉस्टल इंक्लूड है मतलब टू सिक्स ट्वेल्व तो so, आप ये कह सकते हैं थ्री लाख ,00 का भी अगर मैं लगाऊं तो थ्री सिक्स यू नो एटीन ट्वेंटी लाख के आसपास का बजट है अगर आप यहाँ जाते हैं आप ट्वेंटी की जगह ट्वेंटी टू लाख ट्वेंटी थ्री लाख आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं सिलेबस सेम है बाकी सारी जगह एनोटोमी पैथ यू you नो know, फार्माकोलॉजी हिस्टोलॉजी साइकोलॉजी <तुंगोलिया> <गुल्डिया> इमरजेंसी मेडिसिन ये सारी चीज़ें सेम ही पढ़ाई जाती हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मैटर ये करता है यू नो कि प्रैक्टिकल कितना है प्रैक्टिस करने के लिए कितना है वहाँ यू नो हॉस्पिटल प्रैक्टिस कैसी हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये आपको समझने की ज़रूरत है हॉस्टल एंड अकोमोडेशन की बात करें तो ट्वेंटी फोर सेवन हाई सिक्योरिटी सेपरेट हॉस्टल्स हैं आप शेयरिंग बेसिस पे ले सकते हैं राइट कॉमन किचन ऑप्शन भी है राइट सी सी टी कैमरे वहाँ पे हैं राइट सेंट्रलाइज ए सी है सेंट्रल हीटर है ये सब चीज़ें हैं

फूड जो है वो थर्टी थाउजेंड का है आई थिंक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ये थर्टी थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड का है एंड ये थर्टी थ्री हंड्रेड का है राइट ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बिकॉज ये थ्री हंड्रेड यू डॉलर्स है एंड ये वन हंड्रेड यू डॉलर्स है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्री सेवेंटी रुपीज़ का है एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप यू लाइक डिट डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर वीडियो लाइक दिस से कनेक्टेड I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.